वो दौर था जब आर्थिक उदारीकरण सिर्फ विदेशी शब्द माना जाता था। वो दौर था जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह खुद को प्रधानमंत्री की कुर्सी के बहुत करीब पा रहे थे। वो समय था जब बर्लिन की दीवार सही सलामत थी। वो समय था जब नेल्सन मंडेला जेल में ही थे। सोवियत संघ का बिखराव नहीं हुआ था। वो समय था जब मोबाइल फोन जिंदगी का हिस्सा नहीं बना था। यही वो समय था जब घुंघराले बालों वाले एक बच्चे ने टीम इंडिया में कदम रखा था। पाकिस्तान की सरजमी पर उसे वसीम अकरम और वकार यूनुस जैसे गेंदबाजों का सामना करना था। तब से दुनिया बहुत बदली है। प्रधानमंत्री बदले, दुनिया के हालात बदले। घुंघराले बालों वाला वो क्या भी बदला। हेयर स्टाइल से लेकर उम्र की वजह से आई मैच्योरिटी तक सब बदला है। दुनिया के गेंदबाज बदले। मैकग्रा से शेन वॉन तक होता सफर ब्रेटली और शॉन टेट तक पहुंचा। साथ के लोग चले, थके, रुक गए, खेल से बाहर हो गए, लेकिन वो नहीं थमा जिसने शायद इस धरती पर जन्म ही क्रिकेट खेलने के लिए लिया है, जिसके हाथ में बल्ला उसके शरीर का ही हिस्सा लगता है, जिसके शरीर पर टेस्ट क्रिकेट की सफेद या वनडे क्रिकेट की रंगीन जर्सी बाहर से ओढ़ी हुई नहीं जान पड़ती। क्रिकेट जिसकी पहचान बनी और जिसने क्रिकेट को नई पहचान दी, बल्लेबाजी जिसका शगल रहा और जिसने बल्लेबाजी को वो ऊंचाई दी जो इससे पहले नहीं थी। वो नजारा अब भी वैसा ही है। अब भी वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 175 जैसी अद्भुत पारी खेलते हैं और उसके बाद ये बहस शुरू हो जाती है कि क्या इससे भी बेहतर कुछ हो सकता है। फिर वो वनडे की एक पारी में 200 रन बनाकर अपनी ही खींची लकीर को और बड़ी कर देते हैं। वो ऐसी पारी खेल देते हैं जो बहस को नए सिरे से शुरू कर देती है। यही मैदान पर सचिन के होने का मतलब है। समय के लिए शैलेश चतुर्वेदी।